तो आपके सामने यहाँ पर सिचुएशन दी गई है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है बिकॉज ऑफ रिंग, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है दैट वी नीड टू फाइंड आउट अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग। तो मैं यहाँ पर एक्सिस कंसिडर कर लेता हूँ, सेंटर से लेकर यहाँ तक आते हैं, ये हो गई एक्सिस। यहाँ पर कोई एक पॉइंट मैं मान के चलता हूँ जिस पर जहाँ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, और सेंटर से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है उसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ एक्स। अभी देखिए टोटल चार्ज अगर क्यू डिस्ट्रीब्यूट है पूरे रिंग पर, तो मैं फॉर्मली कंसिडर कर लेता हूँ एक छोटा सा एलिमेंट जिस पर चार्ज डी क्यू है। देखिए टोटल चार्ज तो क्यू है लेकिन ये जो छोटा सा एलिमेंट है इस पर चार्ज मैं मान के चलता हूँ डी क्यू, और इस रिंग का जो रेडियस है दैट रेडियस इज फॉर एग्जांपल आर। डी क्यू से लेकर यह पॉइंट जो पी दिख रहा है मुझे, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, लेट दैट डिस्टेंस हियर इज आर, एंड यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड आर कैन बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमें पता है कि चार्ज अगर है तो उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर कितनी मिलती है, तो यह चार्ज जो डी क्यू दिख रहा है मुझे, इसने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की होगी टी ई, ठीक है। तो मैं डी ई को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पर अगर थीटा एंगल कंसिडर किया होता तो ये भी थीटा हो जाता, सो दिस कॉम्पोनेंट कुड बी डी कॉस थीटा एंड दिस कॉम्पोनेंट कुड बी डी ई साइन थीटा। अभी जैसा यहाँ पर आप सोच सकते हो सिमेट्री की वजह से अगर यहाँ पर एलिमेंट डी क्यू है तो वैसा ही एलिमेंट डी क्यू यहाँ पर भी लेना चाहिए था, और यहाँ पर अगर डी क्यू अगर आप देखते हो तो इस डी क्यू ने यहाँ पर उसी तरीके से डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की होगी, और वापस से अगर इसके दो कंपोनेंट आप निकालते हो तो उसमें से एक कंपोनेंट डी साइन थीटा को कैंसिल कर देता है। तो ये जो डी साइन थीटा है और इस एलिमेंट ने जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डी जनरेट की है, तो उसी को मैं कंसिडर करता हूँ दो पार्ट्स में, इसका एक कॉम्पोनेंट ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होता और ये हो जाता यहाँ पर डी साइन थीटा, और उसी तरीके से यहाँ और एक कंपोनेंट आ जाता डी कॉस थीटा। तो देखिए डी साइन थीटा और ऊपर वाले एलिमेंट का डी साइन थीटा और नीचे वाले एलिमेंट का डी साइन थीटा, ये दोनों तो कैंसिल करते हैं। इसी का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है पॉइंट पी पर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में डी ई कॉस थीटा जो आपको दिख रहा है एलिमेंट वो ही कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ दिखाने के लिए मैंने आपको ये दूसरा एलिमेंट लाया था, अदरवाइज इसी एलिमेंट से हमें आंसर फाइनल मिल जाएगा। तो अगर मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ इसे तो आंसर यहाँ पर मिल सकता है। तो डी ई एलिमेंट कितना मिलेगा वो हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। डी ई इज इक्वल टू के डी क्यू, क्योंकि ये चार्ज डी क्यू था, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर, ये होता है। तो उसी को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ये कॉस थीटा। अगर थीटा कांस्टेंट है क्योंकि ये पॉइंट पी फिक्स्ड है और थीटा भी फिक्स्ड है, तो कहीं से भी आप कैलकुलेट करो तो ये पॉइंट एक फिक्स डिस्टेंस पे है, तो इसीलिए के कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा और इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा डी क्यू। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के बाय आर स्क्वायर, और कॉस थीटा अगर आप देखोगे तो एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो यह आ जाएगा एक्स बाय आर, और इंटीग्रेशन डी क्यू हो जाएगा क्यू, क्योंकि टोटल चार्ज क्यू था इस रिंग पर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और यहाँ पर एक्स ई इज इक्वल टू के की वैल्यू में लिख देता हूँ 1/4 pi epsilon naught क्यू, और अगर आर की वैल्यू आप देखते हो तो आर इज
स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसी का मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 होता है। अगर आप आर का क्यूब लिख देते हो तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, और ऊपर जो एक्स था वो एज इट इज। तो देखिए सेंटर ऑफ रिंग से अलोंग द एक्सिस कोई पॉइंट पी अगर मान के चलते हैं तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये डेरिवेशन थ्रू मिल चुका है। इसमें कुछ बातें हम लोग नोट कर देते हैं। जैसे सबसे पहला, अगर मैं x की वैल्यू ही ज़ीरो कर दूं, इसी का मतलब जैसे पॉइंट P को मैं धीरे 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 सेंटर की ओर लाता हूं तो x की वैल्यू कम होती जाएगी, और ये पॉइंट P को जब मैं सेंटर पर ला देता हूं तो एट द सेंटर ऑफ रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड E मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट जो नोट करना है हमें वो ये है कि अगर x की वैल्यू काफ़ी बड़ी है रेडियस ऑफ रिंग से, x की वैल्यू काफ़ी बड़ी है अगर रेडियस ऑफ रिंग से, तो हम नीचे जो फॉर्मूले में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है उसमें आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को निगलेक्ट करके एक्स स्क्वायर कंसिडर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको मिल सकती है 1/4πε0 कैपिटल क्यू एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अगर इसे सॉल्व करते हो तो आपको मिलेगा 1/4πε0 कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो इसी का मतलब ये हो रहा है कि जो रिंग दिख रही है, रिंग का जो बिहेवियर है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा कि पूरा के पूरा जो चार्ज है दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ओ, और पॉइंट पी जो कि एक्स डिस्टेंस पर मुझे दिख रहा है, हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड एंड द फील्ड क्रिएटेड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ये हो सकता है, तो रिंग बहुत छोटी महसूस होगी हमें यहाँ पर, या फिर ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है काफ़ी दूर होने की वजह से रिंग अपीयर्स टू बी लाइक अ पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है वो ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट किया जाए तो इसका रिजल्ट ज़ीरो मिलेगा। कब? व्हेन ई इज मैक्सिमम, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो तब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब मिलती है? अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो ऊपर के फॉर्मूले को तो आपको सॉल्विंग के बाद वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू आर बाय रूट टू। तो आर बाय रूट टू डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो कितनी होती है अगर आप इसमें x की वैल्यू आर बाय रूट टू लिखते हो? देखिए ये डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएशन को डिफ्रेंशिएट करने के बाद इस इक्वेशन को जीरो के साथ मैच करना है, तो आप सॉल्व अगर करते हो तो आपको x का रिजल्ट आर बाय रूट टू ही मिलेगा। तो देखिए क्या होगा, अगर x की वैल्यू r बाय रूट टू लिख देते हैं हम लोग तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिल जाएगी, इट इज 2 डिवाइडेड बाय 3√3 1/4πε0, और यहां मिल जाएगा q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखिए। ग्राफ जो मिलेगा तो ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा। देखिए इसका ग्राफ जो है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डिस्टेंस, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। देखिए क्योंकि सेंटर पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ज़ीरो ही थी और इन्फिनिटी पर भी ज़ीरो ही होगी, तो एट डिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू आर बाय रूट टू पर ई की जो वैल्यू मिलेगी दैट वैल्यू विल बी मैक्सिमम।